इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनसे मुलाकात की। तो करीब 11:50 पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल पहुंचे और लगभग 12:35 पर वो तिहाड़ जेल से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनकी जो मुलाकात थी वो किस तरीके से हुई। परसों ही संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जब मुलाकात के लिए अप्लाई किया गया तो संजय सिंह ने और भगवंत मान ने अप्लाई किया था, जिसमें संजय सिंह की जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी गई थी। हालांकि भगवंत मान की मुलाकात के लिए 12 तारीख को मीटिंग हुई और आज का समय 12 बजे का समय तय किया गया। करीब 20 मिनट तक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मीटिंग चली। खास बात यहाँ पर यह है, जो आरोप भी भगवंत मान ने लगाया है कि जो मीटिंग हुई उनके बीच में एक शीशा था वो भी साफ नहीं था। हालांकि ये पहले ही बता दिया गया था कि जो मीटिंग होगी वो फेस टू फेस, वो डायरेक्ट एक दूसरे के सामने नहीं रहेंगे, उनके बीच में एक शीशा होगा। तो उसी तरीके से मीटिंग हुई। तो भगवंत मान का और आम आदमी पार्टी का लगातार ये आरोप रहा है कि दो मुख्यमंत्री, दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात इस तरह से हुई है, वो आमने सामने रहकर बात नहीं कर पाए। तो ये नाराजगी बाहर आकर भगवंत मान ने भी जताई। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करण, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।